नहीं तो कल वैल्यू ऑफ फॉर्म कर देंगे वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब स्टार्ट करते हम आगे की कहानी इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में छोटा सा डाउट है जितने भी डाउट है सब लास्ट में पूछेंगे स्क्रीन ब्लैक है मेरे सामने स्क्रीन ठीक आ रही है मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सर क्या क्या कर लिया था फटाफट से रिवाइज सर सबसे पहले हमने देखा इनफ्लो निकालना इनफ्लो कैसे निकालते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वापस से डिप्रीशियशन ऐड कर दो क्या होता है इनफ्लो इसके बाद सर हमने देखा था पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड दो तरीके से देखा था एक होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट और एक था हमारा जब इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट मतलब अन इंस्टॉलमेंट था तो उसको हमने बोला था यहाँ पे ये हम कर चुके हैं पहले तो देखो ये रिविजन है तो थोड़ा मैंने जल्दी भी किया लेकिन कोशिश यही है कि पूरा का पूरा कवर किया गया नेट परसेंट वैल्यू सर नेट प्रजेंट वैल्यू में सबसे बड़ा फैक्टर था इसके अंदर दो तरीके से हो सकता है आपका एक तो हो सकता है आपका सिंपल और इसके साथ साथ हमने देखा था एक क्यूमलेटिव के साथ क्यूमलेटिव का मतलब एक बार जोड़ करके दोनों हमने करके देख लिया था आईआरआर आईआरआर का सबसे मेन पॉइंट था एक आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए पॉजिटिव अगर नेगेटिव मिल गया तो आपको चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव करने के लिए रेट को डाउन करना पड़ेगा अगर आपको पॉजिटिव मिल गया और फिर चाहिए आपको नेगेटिव नेगेटिव के लिए आपको रेट को इंक्रीज करना होगा आई निकालने के लिए फॉर्मूला था सर आज अगला हम देखते हैं अगला क्या है सर अगला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स यानी सर टोटल मिला के हम फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या क्या है सर इसमें पे पीरियड है नंबर दो एन है नंबर थ्री आई है, नंबर है चार ए आर आर है और नंबर पांच आपका पी है प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स सिर्फ यही चार फॉर्मूले के इर्द गिर्द आपका सवाल आएगा इसी को हम टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग कहते हैं एग्जाम में अगर आ जाता है कि सर आप कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को एक्सप्लेन करिए तो ये चार चारों के चारों फॉर्मूले को लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है उसमें सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बस मॉडर्न नेम है इसको आर के नाम से भी जाना जाता है आर आपका वही पुराना जाना माना नाम है जो कि आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा था रिटर्न या फिर एक मिनट रुकिएगा पावर कट हुआ है चलिए नाउ अगेन स्टार्ट रिकनेक्ट होने दीजिए रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना हाँ।

अरे ये भी गया इसको भी तो ऑन करना कितनी <laughs> गर्मी लग रही है आपको? <laughs>

भाई इसका थोड़ा सा पावर कट हो गया था एकदम से कोई बात नहीं दो मिनट में रीस्टार्ट मारते हैं उसी जगह से जहां से पावर कट हुआ था रे। फॉर्मूला तो चला गया एक मिनट दो मिनट के लिए लाइट गई पूरे काम को खराब कर दिया एक घंटे के लिए चले जाता है इससे अच्छा था। लगता है चलिए दोबारा लिखना पड़ेगा कोई बात नहीं सर एक था हमारा इसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए आर आर भी कहेंगे और इसको आर ओ आई भी कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर यहां पे फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट यहां कैश इनफ्लो नहीं अकेला एक ये पॉइंट है जहां इनफ्लो की बात नहीं कहता कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन टू मै हंड्रेड सर एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है इक्वल टू ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस में क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टू अगर कुछ नहीं दे रखा तो बस इन्वेस्टमेंट को डिवाइडेड बाय टू करेंगे सर इसके बाद लास्ट बचता है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआई बोल देते हैं एनपीवी इनफ्लो लिखना है डिवाइडेड बाय एनपीवी आउटफ्लो लिखना है सर अगर टेक्निक की बात कर रहा था मैं तो टेक्निक कितने हैं सर टेक्निक है हमारा ए आर आर आई आर आर पे बैक पीरियड पी आई और एन पी सर अब इसके अंदर देखो जितना ज्यादा ए आर आर होगा उतना कंपनी के लिए बेटर है जितना ज्यादा आई आर आर होगा उतना कंपनी के लिए बेटर है जितना कम पे बैक पीरियड होगा वो कंपनी के लिए बेटर है जितना ज्यादा पीआई होगा कंपनी के लिए बेटर है प्लस होगा तो कंपनी के लिए बेटर है कई बार रीजन भी पूछा जा सकता है कि भैया आप बताओ कि इसमें क्या बेटर है तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग बताएंगे मैंने दोबारा ट्रेड पॉलिसी में खुद नहीं किया इंपॉर्टेंस नहीं लगा चलिए चलिए कोई बात नहीं एक सवाल लेंगे जिसमें हम ये पांचों चीजें निकालेंगे जो केस स्टडी बेस्ड था ना हमारा के नेट प्रेजेंट वैल्यू में आएगा तो एक सवाल लेंगे जिसमें हम ये पांचों चीजें निकालेंगे तो आपके सामने सवाल ये है तो सर इसके अंदर कुछ चीजें ऐड नहीं है मैं ऐड कर देता हूं सर आईआरआर भी निकाल के बताओ सर पीआई भी निकाल के बताओ एक और रह गया ना सर एनपीवी भी निकाल के बताओ मैंने पांचों एक ही सवाल में पांचों चीजें पूछ लिया जाएगा जनरली इसी टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं ये थोड़ा सा आप देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का है कैसे करना है मेजरली होता है कि देखो फॉर्मूला आपको याद है अगर आपने इसका टेबल चार्ट जो भी बोले हमने एक बार बना लिया प्रॉपर तरीके से वहां से पिक करके लिखते जाएंगे करने का सिंपल तरीका है ये एबीसी प्लानिंग टू प्रोजेक्ट इनिशियल आउटले आउटले का मतलब होता है सर आउटफ्लो यानी एक लाख रुपए का एक मशीनरी परचेज करा हैविंग लाइफ साल है इट्स एक्सपेक्टेड टू द जनरेटेड ईयर एंडेड बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स सर इसमें से डेप्रीशिएशन भी माइनस नहीं है टैक्स भी माइनस नहीं है तो हर साल की इनकम जनरेशन इन्होंने दे दिया फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फिफ्थ ईयर अज्यूमिंग दैट कंपनी पे इनकम टैक्स कहते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू एंड ऑफ फिफ्थ ईयर फर्स्ट ईयर के एंड से लेके कंपनी हर साल एंड में 40 परसेंट टैक्स पेड करती है यूजिंग स्टेट लाइन मेथड डेप्रीशिएशन नो सैलवेज वैल्यू है नहीं और आपको ये मेथड से निकालना है सर सबसे आसान तरीका क्या होगा इसका करने का सबसे आसान तरीका पहले तो आप इसमें इसके प्रॉफिट को सुधार लीजिए सर प्रॉफिट कैसे सुधारा जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर का प्रॉफिट है तो ये ईयर का कॉलम हो गया उसके बाद सर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो ये वाला कॉलम हो गया इसके बाद सर इसके अंदर से हम डेप्रीशियशन माइनस करेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा बैलेंस होगा पहले तो बैलेंस होगा फिर टैक्स माइनस करेंगे उसके बाद फिर हमारा टैक्स माइनस हो जाएगा उसके बाद जैसे ही टैक्स माइनस होगा फिर बचेगा बैलेंस जो बैलेंस बचेगा उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बाद हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा अभी और भी आगे तक जाएंगे आप एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है हर सवाल में लगभग लगभग यही कॉलम बना के चले तो बेहतर है बाकी करने का कोई ऐसा फॉर्मेट है नहीं फिक्स के कैसे करना है सबसे पहले ईयर आपका ईबीआईटी e या ईबीटी e कह लो ईयर वन टू थ्री फोर कितने साल की कमाई पांच साल की पहले साल की कमाई कितनी है पचास उसके बाद उसके बाद बताइए 30, इसके बाद बीस फिर फिर तीस उस डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ तो ये फॉर्मूला ज्यादा डिटेल में कुछ जानना नहीं है ग्यारहवीं में सीखा हुआ है आपने तो यहां पे हमारे क्वेश्चन के अंदर सर एक लाख की मशीनरी है लाइफ पांच साल और कुछ दे नहीं रखा तो देट इज बीस एस एल एम है तो सब में एक जैसा है अब बैलेंस आ जाएगा सर बैलेंस की बात करूं तो ए और बी ये आ जाएगा सी ए माइनस में बी तो ये आ गया ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया डेटा रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है अब माइनस करेंगे टैक्स सर कितने परसेंट टैक्स है चालीस परसेंट तो बारह हजार चार हजार चार हजार यहां पर तो जीरो होगा और यहां पे आठ हजार बचा कितना सर साठ परसेंट यानी अठारह हजार छ हज़ार छ हजार और बारह हजार सर ये भी बैलेंस है लेकिन इसको मैं बोलूंगा पी ए टी अब हमें ऐड करना है अगेन डेप्रीशिएशन तो हमारा आ जाएगा इनफ्लो सर इनफ्लो कैसे आएगा इसके अंदर डेप ऐड कर दो तो थर्टी एट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू पहले यहां तक देख लीजिए तो आगे बढ़ेंगे हमने अभी तो देटा, देटा बनाया है। यहां तक देख लीजिए तो आगे बढ़ेंगे सवाल में हालांकि एक बात मिसिंग है cost of capital, मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेन परसेंट है क्योंकि मैंने कुछ पार्ट ऐड किया है कोई दिक्कत ये डेटा बनाने में अब हम निकाल लेंगे क्या पी वी एफ टेन परसेंट पे तो पहला आएगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट एट टू सिक्स जीरो पॉइंट सेवन टू सिक्स देखिए बताइए नहीं सेवन टू सिक्स तो नहीं होगा बताइए फटाफट सॉरी जीरो पॉइंट ये सर ये आ जाएगा एनपीवी सर एनपीवी कितने आएंगे अड़तीस हजार पॉइंट नाइन जीरो नाइन चौंतीस हजार पांच सौ बयालीस सर छब्बीस हजार इंटू में पॉइंट एट टू सिक्स इक्कीस चार सौ छिहत्तर सर बीस हजार इंटू में सेवन पॉइंट फाइव सॉरी बीस हजार इंटू में पॉइंट सेवन फाइव वन पंद्रह जीरो बीस छब्बीस हजार इंटू में पॉइंट सिक्स एट थ्री सत्रह सात अट्ठावन इसका वन नाइन एट फोर सर टोटल कर लीजिए इसका तो चौंतीस चौवन बयालीस था ना ये क्या बताइए टोटल वन जीरो छ सौ छत्तीस यह आ गया एनपीवी ठीक है हम पहले डेटा तैयार कर लिया हमने अब एक एक सवाल का जवाब देते जाएंगे एकदम देखो तो कोई भी सवाल अगर पंद्रह नंबर का आएगा ना तो पहले आपकी कोशिश रखना कि डेटा तैयार हो जाए हो सकता है एक मशीनरी हो दो मशीनरी हो तो दो मशीनरी हो तो ऐसा टेबल कितने बनेंगे दो ये बन गया एक के लिए दो के लिए बन जाएगा ठीक है ना तो पहले हमने डेटा तैयार कर लिया डेटा तैयार करने के बाद फटाफट से हम जवाब देते जाएंगे सर क्या क्या जवाब देना है पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर पे पीरियड तो सर पे पीरियड क्या होता है हमारा पे पीरियड में हमें सी की भी जरूरत है हालांकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सी एफ हर बार निकालिए सी एफ की जरूरत नहीं आप यहीं से इंटरनली भी पता कर सकते हैं लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर नहीं हमें तो सी एफ निकाल के ही मजा आ रहा है तो आप सी एफ निकाल सकते हैं हर किसी का अपना अपना चॉइस है मैं इधर सी एफ निकाल देता हूं और सी एफ किसका निकलेगा सर सी एफ निकलेगा हमारा इनफ्लो का तो अड़तीस हजार प्लस छब्बीस बताइए सिक्सटी फोर प्लस कितने प्लस छब्बीस वन, वन वन क्या आगे वन वन जीरो बस और वन सर ये आ गया सी एफ CF का पीरियड में क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक लाख रुपए का है तो सबसे पहले चेक करिए लाख कहाँ आ रहा है सर यहाँ कहीं आ रहा है तो सर ईयर दो नहीं तीन और चार के बीच में तो सर हम जो यहाँ लेंगे वो तीन लेंगे प्लस तीन और चार के बीच में तो आगे देखा जाए तो हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड अमाउंट तो सर रिक्वायर्ड अमाउंट देखा जाए तीसरे साल में चौरासी है तो सोलह हजार रुपए का रिक्वायर्ड अमाउंट आता है सोलह हजार नेक्स्ट ईयर की इनकम को देख लीजिए नेक्स्ट ईयर की इनकम कितनी है सर नेक्स्ट ईयर की इनकम है चौथे साल की इनकम है सत्रह थोड़ी है छब्बीस ट्वेंटी सिक्स सर ये अमाउंट आ गया आंसर पहला आंसर डन पे बैक पीरियड का फॉर्मूला पहले याद है ना आपको तो वही है बार बार बता के कोई फायदा है नहीं सोलह हजार डिवाइडेड बाई छब्बीस हजार थ्री पॉइंट सिक्स वन फाइव पहला आंसर डन पॉइंट नंबर टू क्या ए आर आर है ना ए आर आर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था सर ए आर आर इज इक्वल टू इनफ्लो सॉरी पी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ए वी जी इन्वेस्टमेंट इन टू हंड्रेड सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा हमारे चार्ट में से चेक कर लेते हैं जो ये बचा है ना ये ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो सर इसका हमें क्या चाहिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या चाहिए हमें टोटल तो कितना टोटल है अठारह हजार छ हजार साठ हजार सॉरी अठारह हजार छ हजार छ हजार और बारह हजार दैट इज फोर्टी टू थाउजेंड तो फोर्टी टू थाउजेंड आ जाएगा हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो एवरेज निकालना पड़ेगा सर एक लाख डिवाइडेड बाई टू देट इज फिफ्टी थाउजेंड मैं जल्दी जल्दी जरूर कर रहा हूं लेकिन जो सही से देख रहे हैं सब कुछ समझ में आना चाहिए उसे 84 दो सवाल में कोई दिक्कत किसी को क्या बच्चों ने बताया अट्ठाईस हजार चार सौ छिहत्तर रुपए एनपीवी प्लस चलिए देख लेते हैं अभी क्या है हाँ फोर्टी टू फोर्टी टू किसका बता दिया चलो वो पहले का बताया जा रहा है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या तो बताइए फटाफट फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे अगला मैंने खुद लिखा है सर आई निकालिए अब आई के लिए आपको पता है ना क्या चाहिए एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक नेगेटिव हमें क्या मिल चुका है हमें क्या मिल चुका है एक लाख रुपए ये है इन्वेस्टमेंट एक लाख का था और एक लाख आठ हजार तो यानी हमारा पॉजिटिव आएगा एनपीवी यहां पे आप खुद देखिए कैलकुलेशन में इसको थोड़ा सा और विजुअल करा देते हैं आपको अब बताइए यहां पे अगर मैं एनपीवी निकालू एन तो पी क्या आएगा हमारा एक लाख माइनस एक लाख तो इट मीन एटी सिक्स थर्टी सिक्स पॉजिटिव आ गया आप कहा आपको जाना कहाँ है जब आपने पॉजिटिव निकाल लिया तो किस साइड जाना है आपका वे क्या होना चाहिए क्या ढूंढना है आपको बताइए नेगेटिव नेगेटिव ढूंढने के लिए रेट को क्या करें बढ़ा दे मैंने बोला भैया कम ज्यादा के चक्कर में मत रहो पांच परसेंट का गैप ले लो तो मैं पंद्रह परसेंट निकाल लेता हूं पंद्रह परसेंट ठीक है चार्ट लंबी हो गई आप बोलोगे सर एग्जाम में इतने लंबे कैसे आप तोड़ तोड़ के कर सकते हो अब इसका तो कोई चारा है नहीं चलिए जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन जीरो सेवन फाइव सिक्स सिक्स फाइव जीरो पॉइंट फाइव सेवन जीरो पॉइंट सर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई करना इनफ्लो ये अड़तीस को करिए मैं नीचे का करता हूं सबसे क्या तो ग्यारह तो में इसमें तो हाँ. इस एवरेज कहाँ गया कहाँ गया एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां एवरेज प्रॉफिट एवरेज आएगा एक सेकंड में थोड़ा पीछे का करेक्शन लगा लू right. यहां एवरेज प्रॉफिट आएगा तो सर बयालीस हजार डिवाइडेड बाय पांच एटी फोर हंड्रेड ये थोड़ा ठीक करते हैं सिक्सटीन पॉइंट एट नहीं एक मिनट तो में देख लेता सिक्सटीन पॉइंट एट ठीक है चलिए सर हम किस पे चल रहे थे हम चल रहे थे यहाँ पे एन बताइए क्या आता है यहाँ पे अड़तीस हजार इंटू पॉइंट एट सिक्स नाइन तैतीस भाई मल्टीप्लाई करिए आप सब कर नहीं रहे देखो हाँ पंद्रह आपने ही बताया मैंने निकाला नहीं है सत्तावन और मल्टीप्लाई बीस छब्बीस यह आ गया सर छियानवे अब एनपीवी इसका देखा जाए तो एक लाख मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूं तो आएगा चौंतीस बत्तीस जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया डिज़िट तो सर आईआरआर निकाल लेते हैं आईआरआर क्या कहता है लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉज़िटिव एनपीवी माइनस और माइनस में नेगेटिव एन और इनटू में लोअर हायर रेट माइनस लोअर रेट तो सर लोअर रेट है दस पॉजिटिव एन क्या था चेक कर लीजिए छियासी छत्तीस छियासी छत्तीस पॉजिटिव छियासी छत्तीस और वो भी प्लस हो जाएगा नेगेटिव वाला जाके और नेगेटिव वाला कितने हैं हमारा चौंतीस बत्तीस चौंतीस बत्तीस मल्टीप्लाई कर देंगे सर पंद्रह माइनस में दस सॉल्व करिए छियासी छत्तीस बारह जीरो अड़सठ दैट इज देखिए तीन निकाल चुके हैं टेबल से चौथा पॉइंट था हमारा देखते हैं क्या कहता है सर पी आई निकाली प्रॉफिट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो तो सर कौन सा जो देखो यहां पे तो दो दो इनफ्लो है तो आपको इस रेट वाले को कंसिडर करना है तो रेट वाले को कंसिडर करना है पॉइंट नंबर फोर पी आई सर इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो सर इनफ्लो क्या है इनफ्लो देखा जाए तो 86 नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो टोटल क्या बन रहा था वन जीरो डिवाइडेड बाय एक लाख इक्वल टू ये आएगा वन पॉइंट जीरो अब देखिए हर किसी का मैं बताता हूँ पे बैक पीरियड सर क्या बताता है पे बैक पीरियड हमारे पैसे कितने दिन में रिटर्न आएगा ए आर आर क्या बताता है कि हम प्रॉफिट पे कितने परसेंट रिटर्न कमा रहे हैं इंटरनल रेट रिटर्न क्या बताता है वो रेट जहाँ पे हमारा एनपी बी जीरो आ जाता है पी आई क्या बताता है कि हम एक रुपए पे कितना कमा रहे हैं तो एक रुपए तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और कमाई हमारा ये है जो भी है जीरो पॉइंट एक रुपए पे हम जीरो पॉइंट एट पैसा यानी आठ परसेंट के लगभग कमा रहे हैं इनफ्लो के हिसाब से तो चार हो गया पांचवा क्या है हमारा क्या निकालना है एनपीवी तो आप देखेंगे टेबल में ही हमने पांचवा एनपीवी निकाल लिया तो सवाल इस तरीके से आएगा तो यानी देखिए आप पहले सबसे पहले क्या बनाना है आपने चार्ट और उसके बाद ये करना है बताइए कोई डाउट हाँ जी कोई डाउट बताइए क्या डाउट है कल भी क्लास है सुबह साढ़े दस बजे एफएम की अभी संडे तक रेगुलर क्लास लेंगे आपकी संडे नहीं मंडे तक रेगुलर उसके बाद तो एग्जाम है ना बताइए आईआरआर में क्या दिक्कत है पीआई रिपीट कर दो पीआई होता है प्रोफेबिलिटी इंडेक्स इंडेक्स का मतलब होता है अनुपात मतलब एक तरीके से देख के तो पीआई बताता है हमारा जैसे कि हमारे क्वेश्चन में देखा जाए तो पीआई में क्या निकला हमारा 1.08 तो एक रुपए आप लगाओगे तो पॉइंट जीरो एट की आपकी कमाई होगी इनफ्लो आएगा क्या है क्या है कैपिटल गेन में है तो अभी और भी करेंगे ना अभी खत्म का हुआ देखो एक और क्वेश्चन करेंगे अभी जिसके अंदर हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे करेंगे काम यहां तक बताइए डाउट फिर अगले एक और क्वेश्चन पे जाएं बिल्कुल क्वेश्चन ना आपका इसी तरीके का होगा अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना तो जो पैटर्न आ सकता है एक्सपेक्टेड पैटर्न में बोल रहा हूं वही हम कर रहे हैं अभी सीएफ समझा दो सी एफ अरे आपका सीएफ क्या है ये जोड़ हो जाता है ना इसका क्यूमलेटिव फैक्टर इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो अगला आएगा इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो फिर अगला आएगा इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो अगला आएगा इसमें ये जोड़ेंगे तो आएगा ईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईडी का तो पहले कुछ पता भी नहीं चल रहा अभी तो सर डिस्काउंट प्रोफेबिलिटी बता दो डिस्काउंट discount... ये डिस्काउंटिंग तो निकाला है पीआई ये डिस्काउंटिंग ये जो मैंने निकाला इनफ्लो आउटफ्लो बताओ मैंने कौन सा इनफ्लो लिया आफ्टर डिस्काउंटिंग तो लिया ये वाला ए रिपीट कर दो ए हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास क्या था एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आया टोटल करा हमारा प्रॉफिट आ रहा था बयालीस और पांच सालों का था तो ये आ गया एवरेज

तो आप इसका सब कुछ निकालेंगे जो कि आपने उसका निकाला था हाँ बाकी आता नहीं है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड कभी जल्दी से तो बाकी आ जाए तो है बच्चे पूछे सर नॉर्मल पीआई क्या होगा नॉर्मल पीआई निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस इनफ्लो का एवरेज करना है प्रॉफिट नहीं नहीं अच्छा पीआई तो इनफ्लो का टोटल करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं इनफ्लो का टोटल और आउटफ्लो कर देंगे चलिए एक और सवाल देखते हैं देखिए हमने एक तो देखा था किस पैटर्न का सवाल सिंपल सिंपल बेसिक एक पैटर्न का ये सवाल आ गया और अब अगले सवाल पे चलते हैं सर दो मशीनरी दे रखा होगा इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कहता है कंपनी शायद क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको मैं नीचे कर देता हूं इसमें इंपॉर्टेंट है आपका डेटा अरेंज करना कहता है कंपनी कंसिडरिंग परचेज मशीन टू मशीन ए और बी सर एक ए मशीन है और एक बी मशीन है अवेलेबल ईच कॉस्टिंग सर एक मशीन दस लाख का है इन कंप्यूटिंग द प्रोफेबलिटी मशीन एट डिस्काउंट रेट दस परसेंट है अर्निंग आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड टू बी एस अर्निंग आफ्टर टैक्स है यानी ई ए टी है ये कितने दे रखे हैं आपको यहां पे अमाउंट दे रखा है सर क्वायर टू इंडिकेट विच मशीन शुड बी प्रॉफिटेबल कौन सा मशीन बेटर रहेगा द फॉलोइंग मेथड के हिसाब से ए आर आर के हिसाब से बताइए नेट प्रजेंट वैल्यू के हिसाब से बताइए दो मशीनरी का और एक और लिख देते हैं सर आई आर आर के हिसाब से बताइए पे बैक पीरियड के हिसाब से बताइए बस इनके हिसाब से बताइए दोनों में से कौन सा मशीनरी आपका बेटर होगा पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आया क्या आप एक मशीन को ना एक सवाल समझिए और दूसरे मशीन को दूसरा सवाल आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें एक मशीन को एक सवाल सर ईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईडी के अक्सर ईडी की अभी बाद में बात करेंगे चलिए क्वेश्चन क्लियर है मैं ना इस क्वेश्चन में ए मशीनरी का मैं सब कुछ निकाल दूंगा आप बी का खुद प्रैक्टिस कर लेंगे उसका ठीक है ना ए का मैं निकाल लूंगा और बी का आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा घबराना नहीं है कि सर दोनों का डिफरेंस लेना है ऐसे क्वेश्चन में सवाल को दो मानना है इसको अलग और इसको अलग इस सवाल के अंदर एक ट्विस्ट ये है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो यहां पे पता नहीं है कि क्या है नहीं है तो आप अजमसन लेंगे सर ये इनफ्लू है काम यही आधा खत्म हो जाता है इनफ्लो अब हमारा जो टेबल बनाया था हमने वो थोड़ा सा स्मॉल टेबल बनने वाला है ईयर इनफ्लो पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फिर दोबारा पीवीएफ फिर दोबारा प्रेजेंट वैल्यू ईयर एक दो तीन तीन लाख चार लाख पांच लाख तीन लाख और दो लाख ये आपका इनफ्लो है पीवीएफ टेन परसेंट रेट पे जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट एट टू सिक्स जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन जीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो सर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू लिख लो सिर्फ निकालिए प्रेजेंट वैल्यू तीन लाख टू सेवेंटी सैतीस वन ये बता रहे हो वन सर टोटल करिए सर एनपीवी क्या होगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो सर इनफ्लो तेरा लाख माइनस में दस लाख तीन लाख सतहत्तर सौ बहत्तर सौ कैसे इसका टोटल गलत बताया फिर आपने देखो इसका टोटल सही है एक सौ तीस सतहत्तर सौ ठीक है कर लीजिए एक बार और ठीक है अब सर ये कौन सा वैल्यू आ गया पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए तो सर नेगेटिव के लिए क्या करें रेट बढ़ा दे कितना परसेंट पंद्रह पे निकाल लीजिए जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन मल्टीप्लाई करते जाइए मल्टीप्लाई करिए फटाफट एक तो मैंने कर दिया कर नहीं रहे आप सब कुछ कब बताओगे फिर टू फोर नाइन क्या है किसका किसका दो सौ अड़तीस पहला किसी ने टू सिक्स ज़ीरो सेवन ज़ीरो ज़ीरो अरे ये भी पॉजिटिव आ गया सत्रह दस सत्रह सात सौ अट्ठाईस यही आ रहा है चेक करिए <coughs> आएगा, अरे छोड़ो पॉजिटिव आएगा ना पहले से भी पॉजिटिव था ना अब ये हमारा एरर हो गया अब हमें रेट को और बढ़ाना पड़ेगा यानी अब रेट को ट्वेंटी ना करके इतना ज्यादा नहीं जाते हम 17 या एटीन कर देते हैं तो मैं एक बार इसे इरेज करूं देखो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है एग्जाम में तो आपको एक रेट और लेना पड़ेगा मैं तो यहाँ मिटा देता हूँ इसको सर एटीन ले लेते हैं अब कोई बात नहीं जीरो पॉइंट फाइव वन बताते जाइए प्लस करिए हम पच्चीस इकतालीस सौ दो सतासी दो सौ अरे अभी प्लस आ रहा है चेक करो एक बार यानी सर यहां भी पॉजिटिव अब कितने का आ रहा है सतासी हजार हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये तीन लाख है बाईस पे करते हैं हाँ लास्ट बाईस पे अब आप सोचेंगे सर हमारे साथ एग्जाम में होगा हम क्या करेंगे भाई ये क्वेश्चन ना आईआरआर का था ही नहीं मैंने बनाया है इसलिए ऐसा हो रहा है एग्जाम में जब आई आर का होगा तो पांच परसेंट में ही आ जाएगा तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना आपने जीरो पॉइंट यहाँ पे मिट गया है डबल जीरो था क्या था दूसरे का टू तो सेवन एक रह गया अब आ जाएगा दो तिरतालीस फटाफट करते हैं यस सर एनपीवी आएगा यहां पे बयालीस सौ नेगेटिव ठीक है बयालीस सौ नेगेटिव अभी तो डेटा तैयार कर रहे हैं पहला क्या बोला इसने ए आर आर निकालो सर पहला क्वेश्चन देखो ए आर आर ए आर आर क्या कहता है एवरेज पीए टी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सर एवरेज पीए टी ही था जिसको हमने इनफ्लो माना है सॉरी टोटल दे रखा तो एवरेज तो कैसे निकालेंगे इन सबको जोड़ देंगे दैट इज तीन चार सात पाँच बारह और तीन बारह और तीन पंद्रह और दो सत्रह लाख सत्रह लाख डिवाइडेड बाई पाँच लाख पाँच तो ये आ जाएगा थ्री फोर्टी और इन्वेस्टमेंट एवरेज निकालोगे पाँच लाख इंटू में हंड्रेड तो तीन चालीस डिवाइडेड बाई पाँच लाख इंटू हंड्रेड अड़सठ परसेंट सर दूसरा पार्ट कर दीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं दूसरा पार्ट सर तीसरा पार्ट भी बता दो तीसरा आईआरआर आईआरआर वही फॉर्मूला लगेगा लोअर लोअर क्या है हमारा टेन प्लस में पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वाला प्लस हो जाता है इनटू हायर रेट माइनस दस सॉल्व करके बताइए सीधा देखते हैं कौन कौन बता रहा है सॉल्व करके सर थर्टी पॉइंट जीरो सिक्स आ रहा है पी पीरियड अच्छा बच्चों ने पी पीरियड भी बता दिया अलग अलग बता रहे हैं स्टूडेंट बच्चे कह रहे हैं सर थर्टी पॉइंट सिक्स हाँ इक्कीस पॉइंट एट थ्री परसेंट सर अगला क्या निकालना है यहाँ निकाल देते हैं सीख ही रहे हैं हम तो पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड किसका निकलेगा सर इसका अब दस लाख वैसे ही काउंट कर लो देखो तीन चार सात पाँच बारह यह, यहाँ पे जा रहा है यानी दूसरा साल दो प्लस में दूसरे साल में रिक्वायर अमाउंट छ लाख नेक्स्ट ईयर की इनकम नहीं नहीं तीन और चार सात तीन लाख रिक्वायर अमाउंट तीन लाख और अगले साल की इनकम पांच लाख तो सर आ गया ये देखो मैं कर बड़ी स्पीड में रहा हूं तो जो बच्चे रिवीजन के लिए हैं वो जो पहले से कर रखे हैं वो समझ पा रहे होंगे टू पॉइंट जीरो सिक्स टू पॉइंट यानी सिक्स बी का आप कर पाओगे मैं कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं एक तो पिछला वाला देखा था एक दो मशीन वाला आ सकता है इसमें मजा तब आ जाता आसान तब हो जाता जब इक्वल इनकम होता है जी करके फटाफट सारा काम हम खत्म कर लेते ठीक है ना बच्चे कह रहे हैं सर एनपीबी 1800 नेगेटिव सर पे पीरियड बता दो मधु पे पीरियड जो है वो जो पीछे फॉर्मूला लगाया था वही तो है इसमें सी निकालना होगा आपको चलिए मैं आपके लिए बहुत छोटा सा सी निकालता हूं तीन लाख सात लाख और बारह लाख और पंद्रह लाख सत्रह लाख अब निकाल लीजिए जो फॉर्मूला था ठीक है नोट कर लीजिए जब कुछ बच्चे कह रहे हैं नोट कर दे थे वैल्यू फॉर्म करा देते हैं कल कौन सा इंक्रीमेंटल वाला रहता है चलिए पहले कर लीजिए इसको देखिए इस सवाल को सिर्फ मैं समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आता फिर हम कर लेंगे ठीक है कहता है कि श्रद्धा लिमिटेड इज कंसिडरिंग बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखते हैं अरे अक्षय ने तो बोल दिया ईडी करवा दो बाकी सब छोड़ दो चलिए कहता है श्रद्धा लिमिटेड कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन सर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन का मतलब होता है दो मशीनरी हैं एक से ज्यादा बोथ रिक्वायर्ड इनिशियल दोनों को दो लाख रुपए में खरीदा जाएगा दोनों की लाइफ पांच साल रहने वाली है द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट पे टैक्स फिफ्टी परसेंट द प्रोजेक्ट वी डेप्रीशिएटेड स्टेट लाइन मेथड डेप्रीशियन एक्सपेक्टेड जनरेटेड प्रोजेक्ट फॉलोइंग और कहता है डेप्रीशिएशन जो है द प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एक्सपेक्टेड फॉलोइंग, तो ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन हो गया मशीन वन मशीन टू के हर साल की इनकम है समझ रहे हो तो आपको सबसे पहले ये क्या है हमारा सर ये जो दे रखा है पी है इसके अंदर सबसे पहले माइनस कर दोगे डेप्रीशिएशन फिर आप जो भी बैलेंस आएगा माइनस करोगे टैक्स जो भी बैलेंस आएगा प्लस कर दोगे डेप जो आज पहला क्वेश्चन किया वैसा ही होगा कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए निकाल देंगे पीआई निकालिए निकाल देंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालिए और कौन से मशीन एक्सेप्टेड है तो सर जिसका पी ज्यादा होगा वो अच्छा है जिसका आई ज्यादा होगा वो अच्छा है और किस बेसिस पे जिसका एन ज्यादा प्लस होगा वो अच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि इसका एनपीवी ज्यादा आ जाए और इसका पी ज्यादा आ जाए तो आपको हर पॉइंट पे मान लेते हैं ए और बी लिख देता हूं इसका मान लेते हैं पी है

बेटर है तो हर किसी पे अलग अलग आपको ओपिनियन देना है ये हो जाएगा या नहीं होगा सभी बच्चे वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म कर रहे हैं तो कल सुबह साढ़े दस बजे वैल्यू फॉर्म ही ले लेते हैं क्लास ठीक है जिसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच सारे अप्रोच इसको पूरा करेंगे लास्ट वैल्यू फर्म पे खत्म करेंगे थ्योरी कल डे कौन सा है टीटीएस चलिए सुबह नहीं शाम को कर लो टाइम शाम को दूसरा बैच है पुष्पेंद्र मॉर्निंग में होगा रिकॉर्डेड तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा हाँ एक दो क्वेश्चन है ना इसमें ओल्ड और न्यू मशीनरी और वर्किंग कैपिटल और कैपिटल गेन वाला वो एक क्वेश्चन में ऐसा करवाऊंगा जिसके अंदर के सारा का सारा पॉइंट कवर अप हो जाएगा बस एक वही पैटर्न बच जाता है जिसके अंदर ओल्ड नया मशीन भी आ जाए कैपिटल गेन भी आ जाए और वर्किंग कैपिटल भी आ जाए एक इंक्रीमेंटल वाला भी रहता है दो क्वेश्चन और होगा तो समझो काफी हद तक आ जाएगा सर कल क्लास कब है देखो बच्चे कितने इवनिंग में बैच दूसरा है उनके भी एग्जाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में इवनिंग में नहीं हो सकता मॉर्निंग है आपको रिकॉर्डेड इंस्टेंट अपलोड कर दिया जाएगा आपको लाइव के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा इंस्टेंट अपलोड हो जाएगा परसों क्या है संडे है संडे भी सुबह ही रख लेंगे हाँ सेम टाइम रख देते हैं और मंडे भी साढ़े दस सर पीबीटी और ईबीआईटी भी करेंगे ना दीपक समझ ही नहीं आया मैनेजमेंट के सारे चैप्टर दीपक डाल दिए हैं डिसीजन मेकिंग के भी अब रह गए आपके डाउट आपका जो पेपर के बीच में तीन चार छुट्टी है तो उसके अंदर लगातार सिर्फ डाउट चलेंगे एफएम की क्लास तो होगी नहीं तो सिर्फ डाउट डाउट सेशन चलेगा उसमें कवरअप होगा वो सर पॉजिटिव वैल्यू किसकी देखते हैं मुस्कान जितने बच्चों के डाउट आ रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ जो न्यू ज्वाइनिंग है ना उनके डाउट आ रहे हैं कैसे देखते हैं तो आप सबसे पहले कैपिटल बजटिंग की जो क्लास है अभी मैंने स्टार नहीं लगाया मैं जाके सबसे पहले स्टार लगा देता हूं जो स्टार वाली वीडियो है तीन चार वो देख लीजिएगा और उसके बाद ये रिविजन सेक्शन करिएगा आराम से समझ में आ जाएगा प्रोग्राम वाले बच्चे नहीं ऑनर्स वाले बच्चों के लिए है प्रोग्राम वाले बच्चे पूरी पूरी क्लास देखेंगे और अच्छे से करेंगे ऑनर्स वालों का तो सर अभी एग्जाम आ रहा है लगा रखा है कैपिटल पे नहीं कैपिटल पे नहीं नहीं। अरे भाई अक्षय आपने पूरा पेज भर दिया ED, ED? मैंने रेगुलर क्लास रखा है साढ़े दस बजे तो किसी दिन थ्योरी भी आएगा और थ्योरी को भी हम थ्योरी आधे घंटे में या होगा तो कल देखो हाफ डे दे पे हम रख लेंगे कल का कल प्रोविजन आज जितनी प्लानिंग करते हैं सब बेकार हो जाता है इसे कल देख लेंगे कल थ्योरी रहेगा थ्योरी भी हो जाएगा सर इको की क्लास इको की क्लास तो आपकी नॉर्मल जो नौ बजे होती है हो, वही रहेगी इको की क्लास सब बच्चे सिर्फ लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं सर मैनेजमेंट की क्लास ले लो बजटिंग चैप्टर बाकी है बजटिंग में एक दो पॉइंट है बीच में कितनी छुट्टी है मेरे ख्याल तीन दो तीन छुट्टी है उसके अंदर कवर होगा इससे कम है प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दे महक क्या डाउट है बताइए आप सर इको कॉस्ट सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउट नहीं सॉल्व हुए हैं एक काम करो ना जितने बच्चों का डाउट है ना डाउट मत अरे मैंने क्या लिख दिया नंबर Mm-hmm.